आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को याद किया और इस वक्त को महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर इस वक्त वो मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज बापू की 76वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम दिग्गज नेता भी कांग्रेस के बीजेपी के राजघाट पहुंचेंगे, लेकिन सुबह की यह तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, इसके साथ ही राष्ट्रपति हरदीप सिंह पुरी भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए।
तो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे हैं बापू को, राजघाट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, वो भी बापू को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तो तीन तस्वीरें, आज पूरा देश बापू को याद कर रहा है उनके 76वें पुण्यतिथि पर, और इसी मौके पर प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए फूल अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर मौजूद हैं। तीसरी तस्वीर में आप योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक को देख रहे हैं, जहां वो भी बापू को याद कर रहे हैं। Like you, जनवरी है आज, और आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने बापू को मारा था, और उसके बाद से ही प्रतिवर्ष राजघाट पर इसी तरीके से दिग्गज अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन बापू को अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज सुबह तड़के ही श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और नेहा, कई बार ऐसा देखने को मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू का जिक्र करते रहे हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास जिसकी बहुत चर्चा होती है, इस विचार की प्रेरणा भी 1980 के दशक की है, ये भी जानकारी। और कई ऐसी सरकार की कल्याणकारी योजना है जहां पर महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रभाव दिखता है, प्रधानमंत्री के जीवन पर भी महात्मा गांधी का काफी प्रभाव रहा, उसी विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ते रहे हैं। कई कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार ने चलाई उसमें भी उन्हीं की विचार जो है उसकी झलक दिखती है, जिसमें आप सबका साथ सबका विकास ले लीजिए। तो प्रधानमंत्री कई मंचों से भी, क्या उनका अपना कनेक्शन रहा, क्या कितने प्रभावित रहे हैं वो महात्मा गांधी के विचार से, ये भी साझा करते रहे हैं। और आज जब बापू की 76वीं पुण्यतिथि, तो प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें वहां से। और योगी आदित्यनाथ ने भी आज बापू को याद किया, वो अपने टीम के साथ, कह लीजिए उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, बाकायदा कई नेता बीजेपी के वहां मौजूद हैं, और वो भी श्रद्धांजलि।